हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग बात करेंगे कि कौटिल्य कॉमर्स अकाउंट्स का टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। टेस्ट सीरीज में क्या क्या दिया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट दो साल से जब से हम ऑनलाइन फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, तब से हम एक बात नोटिस किए हैं कि पढ़ते तो सभी स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है। अगर सीए कर रहे हैं तो पढ़ तो सभी रहे हैं, तो पढ़ तो सभी बच्चा रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर एग्जाम के दिन हमसे एग्जाम में सही नहीं बन पाता है, या फिर हम एग्जाम में प्रॉपरली खत्म नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लिख नहीं पाते। तो इसका सबसे मेजर रीजन जो ऑनलाइन क्लासेस में हम पाए हैं वो क्या था, टेस्ट सीरीज, कि स्टूडेंट अपने टेस्ट सीरीज में अपेयर नहीं होते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं देते। इससे पहले हम कभी टेस्ट सीरीज लिए भी नहीं थे ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, ऑफलाइन में लेते थे, ऑनलाइन पे नहीं लेते थे। तो इस बार हमने सोचा है, क्योंकि हम लोगों ने फाउंडेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, आप लोगों ने वीडियो से कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो हम लोगों ने इस बार एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया है जो काफी सारा चीजों को कवर करेगा। इस टेस्ट सीरीज में आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इस टेस्ट सीरीज से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपना गलती मालूम चलेगा कि हमसे क्या गलती हो रहा है किसी चैप्टर के अंदर, हमसे क्या कमी रह जा रहा है, इस बारे में आपको पता चलेगा जब आप टेस्ट पे अपेयर होंगे और आप देखेंगे कि हां सर मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो उसके लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज अकाउंट्स का ऑर्गेनाइज किया है। कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है कि सर टेस्ट सीरीज कराइए जिससे हेल्प हो। तो हम लोग जो टेस्ट सीरीज लेके आए हैं उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो हम लोग लेंगे वो होगा 24 टेस्ट। सुन के भी लग रहा होगा सर ये तो बहुत सारा टेस्ट है, बोले बिल्कुल 24 टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें से 21 टेस्ट जो होगा वो आपका चैप्टर वाइज होगा, मतलब हर एक चैप्टर का टेस्ट लेंगे। जो चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा वो 50 मार्क्स का होगा और वो 1.5 आवर का होगा, और जब हम लोग सारा चैप्टर वाइज टेस्ट को खत्म कर लेंगे तो फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 3 पूरा फुल सिलेबस का टेस्ट लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो जाएंगे, 24। और हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि ये 24 टेस्ट में अपेयर होने के बाद जब आप अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे आपको जरा सा भी कॉन्फिडेंस का कमी नहीं होगा और जरा सा भी ये महसूस नहीं होगा कि सर हम लिख नहीं पा रहे हैं, मेरा छूट जा रहा है, मेरा एग्जाम खराब जाएगा। ये 100% गारंटी है मेरे साइड से कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ले और ईमानदारी से पढ़ के टेस्ट दे, ये नहीं कि हम टेस्ट सीरीज ले लिए हैं फिर हम टेस्ट के समय बुक खोल के बना रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, बनाने का मन नहीं कर रहा, बस नाम के लिए ले लिए। अगर आपको नाम के लिए टेस्ट सीरीज लेना है तो कृपा करके ना ले, मत लीजिए टेस्ट सीरीज, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि आप बहुत सीरियस हैं अपने टेस्ट सीरीज को लेकर के, आप सच में अपना फाउंडेशन अच्छे नंबरों से क्लियर करना चाहते हैं, और हम आपको अकाउंट्स का गारंटी दे सकते हैं कि मेरे वीडियोस को करने के बाद और इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने के बाद, सक्सेसफुल्ली पास होने के बाद अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको गारंटी देते हैं आपका अकाउंट्स का नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो हम लोग टेस्ट सीरीज में क्या कवर करेंगे, 24 टेस्ट लेंगे ये तो पक्का है, तो जाहिर सा बात है ये टेस्ट बहुत लंबा चलेगा। हम बोले बिल्कुल, अप्रोक्स 3 मंथ का टेस्ट सीरीज होगा ये, हर वीक में हम लोग 2-2 टेस्ट लेंगे, मतलब एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच में 2 से 3 दिन का गैप रहेगा ताकि आप अपना उस चैप्टर को पढ़ सके। किस चैप्टर का टेस्ट कब होगा ये जो लोग हम लोग से टेस्ट सीरीज लेंगे उनको बताया जाएगा कि इस दिन इतने बजे इस चैप्टर का टेस्ट है, ताकि आप प्रिपेयर कर सके अपने आप को। उसके बाद जो चैप्टर्स होंगे वो देख लीजिए, ये कवर किए जाएंगे। जैसा आप देख रहे होंगे कि सर 21 चैप्टर्स है जिसमें पार्टनरशिप को हमने तोड़ लिया है, पार्टनरशिप को 3 चैप्टर में डिवाइड कर लिया है कि सर एक तो बेसिक पार्टनरशिप, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट एंड डेथ। हम बोले हां, और जब ये सारा का सारा हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या कंडक्ट करेंगे, हम बोले सर उसके बाद आप 3 फुल सिलेबस वाला टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाइएगा जो 100-100 मार्क्स से होंगे, एकदम आईसीएआई के पैटर्न पर। और ये जो टेस्ट होगा ये आपको ये बताएगा कि किसी एक चैप्टर को जो आप प्रिपेयर करे हैं
क्या उस चैप्टर से हमसे सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या हम सही बना पाते हैं, क्या दिए हुए समय पे बना पाते हैं, इस चीज से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। टेस्ट का होना इस मायने से भी इंपॉर्टेंट है कि सर क्योंकि हम लोग का सीए एग्जाम तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, अगर हम लोग टेस्ट नहीं देंगे तो एग्जाम हॉल में नर्वस होना सिंपल है कि हाँ सर नर्वस तो हो ही जाएंगे, तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा हमको, तो क्वेश्चन पेपर दे करके एग्जाम देना एक डिफरेंट अप्रोच होता है। तो हम लोग क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करेंगे, जो लोग भी इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं उनको हम क्या करेंगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे और गिवन टाइम के अंदर उनको अपना टेस्ट खत्म कर लेना है। अब सवाल उठता है कि सर ये कॉपी चेक कैसे होगा, हम लोग दोस्त कॉपी चेक करने से इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्ट हुआ है उसका सोल्यूशन हमको वीडियो के फॉर्म में मिले। तो हम आपको इन सारे टेस्ट का क्या प्रोवाइड करेंगे, वीडियो, ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो पता चले ना कि हाँ वो मिस्टेक क्या है, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो वो वीडियो के थ्रू समझ में भी तो आए कि हाँ सर इसका डीलिंग कैसे करना था, इसको एडजस्ट कैसे करना था, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना था। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको टेस्ट सीरीज का जो पेपर होगा वो जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, और विद इन द टाइम पीरियड आप अपना टेस्ट खत्म करेंगे, और जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा आपको सॉल्यूशन का वीडियो दे दिया जाएगा जिससे आप अपने आंसर्स को चेक कर सके। उसके अलावा आप ये देख सको कि कुछ गलती हुआ है तो कहां गलती हुआ है, क्यों गलती हुआ है, उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए था, ये सारा बात हम लोग वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। फिर भी मान लो किसी बच्चे को ऐसा लगे कि सर हम एक डिफरेंट अप्रोच से बनाए हैं और आंसर मेरा भी वही आता है जो आपका आता है, तो क्या हमको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप उसके लिए उस चैप्टर जो आंसर आप बनाए होंगे उसका आप फोटो क्लिक करके मुझे भेज देंगे, हम आपको बता देंगे कि हाँ इस अप्रोच पे नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात समझते हैं आप मेरा? तो ये है हम लोग का तरीका टेस्ट लेने का होगा कि सर हम लोग इतने सारे टेस्ट ले रहे होंगे जो काफी ज्यादा है, लेकिन हम जानते हैं काफी ज्यादा होने के बाद भी हम एक एक चैप्टर को टच करना चाहते हैं, हम ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं किसी और की तरह कि सर तीन चैप्टर मिला करके एक टेस्ट ले लेंगे, दो चैप्टर मिला के एक टेस्ट ले लेंगे, चार चैप्टर मिला के एक टेस्ट ले लेंगे। हम हर चैप्टर का एक बार में एक ही टेस्ट लेंगे, उससे होगा क्या कि हम उसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर पाएंगे, तब आपको महसूस होगा कि सर ट्रायल बैलेंस जैसा आसान चैप्टर में भी ट्रिक हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रिक करने के कारण हमसे बन नहीं पाया। इसी कारण से हम मर्ज नहीं कर रहे चैप्टर्स को, हम चैप्टर्स को इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं कि हर चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा और फिर आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सवाल उठता है कि सर ये जो टेस्ट होगा इसका फीस कितना होगा, हम बोले 24 टेस्ट है उसका फीस है सिर्फ 500 रुपीज। हम बोल रहे हैं सर ये बहुत ही मिनिमम फीस लिया जा रहा है जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन पेपर से लेकर के सोल्यूशन। उसके अलावा अगर कोई मान लो टेस्ट के अंदर आपको लगता है डाउट है तो उसका आपको जवाब भी दिया जाएगा कि हाँ सर टेस्ट में ये वाला बात, हालांकि डाउट होगा नहीं क्योंकि हम तो आपको वीडियो सोल्यूशन देंगे उसका डिटेल एक्सप्लेन करके कि हाँ भाई ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। फिर भी अगर डाउट हो जाए तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। कितना फीस है इस टेस्ट सीरीज का, ओनली 500। अगर आप काउंट करेंगे तो हर टेस्ट का प्राइस कितना होगा, 21 रुपीज के आसपास। मतलब 21 रुपीज में आपको एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज अकाउंट का सीए फाउंडेशन का, और क्योंकि हम सीए फाउंडेशन का पूरा अकाउंट पढ़ाए हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि मेरा टेस्ट पेपर भी एक स्टैंडर्ड में होगा। आपको महसूस होगा कि हाँ सर हर टेस्ट पेपर से कुछ सीखने मिला है, हर एग्जाम से हमको कुछ सीखने मिला है कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता था मेरे साथ। बात ठीक, फिर भी आपके मन में कई सारे डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। आपके सारे डाउट्स का जवाब रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज जो होगा वो अगर आप पूछेंगे तो यहां पे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर आप मुझसे पूछिए तो आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। एक अकाउंट्स का टीचर अगर कोई टेस्ट को ले रहा होगा तो वो अपने हिसाब से चीजों को बनाता होगा, तो मेरे हिसाब से आपको जरूर लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटल्य कॉमर्स। सीए फाउंडेशन में
नवंबर 2022 के लिए फर्स्ट एमटीपी आईसीआई ने जो रिलीज किया है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लेंगे वो है क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है आइए पढ़ें। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है एज यूजुअल। लिखा है स्टे विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। नंबर वन, इफ द इफेक्ट ऑफ ईरर कमिटेड कैंसल आउट द ईरर विल बी कॉल्ड कंपनसेटिंग ईरर एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। फॉल्स, अगर ईरर रेक्टिफाई हो गया है तो सर वो कंपनसेटिंग ईरर तो होगा लेकिन ट्रायल बैलेंस डिसएग्री नहीं करेगा, वो एग्री कर जाएगा। तो पहला का आंसर क्या है? फॉल्स। नंबर टू, अक्रूअल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। ये भी फॉल्स। अक्रूअल बेसिस का मतलब ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करना, तो सर ये भी फॉल्स है। थर्ड नंबर, कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ रियल अकाउंट। फॉल्स। कंसाइनमेंट अकाउंट सर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। फोर्थ, इन केस द ड्यू डेट ऑफ ए बिल फॉल्स आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट इज नोन एज रेड इंक इंटरेस्ट। ट्रू। तो ये सारा बात हम लोग यहां लिखे हुए हैं। नंबर फिफ्थ, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डिड प्रिवेल्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर टू बी पेड 6%। ट्रू। और नंबर सिक्स, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड एंड द शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ कॉल्स इन एरियर। फॉल्स। शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफीचर से, लेकिन सर जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है वो क्रेडिट होगा जो अमाउंट रिसीव किए हैं उससे। तो ये भी हो गया फॉल्स। तो ये छह क्वेश्चन जो ट्रू एंड फॉल्स में था आपको मैच करा लेना है। जो सिंपल है सर, ये रिपीटेटिव टाइप का, इससे पहले भी कई बार ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन का बी क्वेश्चन है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आंसर ये लिखा हुआ है कि सर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव ए मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग अपना इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मेथड चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक पहले वेटेड मेथड फॉलो करते थे फिर फीफो में फॉलो करने लगे, तो अगर हम इस बात को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ये चेंज इफेक्टिव नहीं होगा। तो उसी बात को यहां पे लिखे हुए हैं कि सर फॉर एग्जांपल कॉस्ट फॉर्मूला यूज फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज चेंज फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज क्वांटिफाइड। मतलब बताना, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट हेल्प द यूजर्स ऑफ अकाउंट। अगर आप नहीं बताइएगा तो फिर वो जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो यूजर्स के लिए हेल्पफुल नहीं माना जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर वन का ए और वन का बी, इस बात को नोट डाउन करिए। आइए क्वेश्चन नंबर वन के सी में चले। लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग ईरर अंडर दी थ्री कैटेगरीज, ईरर ऑफ ओमिशन, ईरर ऑफ कमीशन, ईरर ऑफ प्रिंसिपल। नंबर वन, क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू दी परचेज बुक। बोल रहा है क्रेडिट में सेल किए गलती से परचेज बुक से पास कर दिए, तो सर ये ईरर ऑफ कमीशन है, रॉन्ग पोस्टिंग किए हैं आप। उसके बाद मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड, तो सर ये ईरर ऑफ ओमिशन है, भूल गए। परचेज फ्रॉम एम नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक, सर ये भी ईरर ऑफ ओमिशन है। नंबर फोर्थ, गुड्स वर्थ ₹1520 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक H1250, सर ये ईरर ऑफ कमीशन है, रॉन्ग अमाउंट लिखे हैं। और सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, बोल रहा है फर्नीचर बेचे और गलती से सेल्स लिख दी, ये प्रिंसिपल ईरर है सर, तो ईरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर वन का सी। तो वन का ए बी सी ये सिंपल था सर, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर टू का ए पढ़े। क्वेश्चन नंबर टू का ए है, द प्लांट एंड मशीन अकाउंट ऑफ ए फैक्ट्री से सोल्ड ए बैलेंस ऑफ ₹21,15,250 ऑन 1st April 2020। तो 1st April 2020 को प्लांट एंड मशीन का बैलेंस बताया है जो कि है 21,15,250। इट्स अकाउंट्स वेयर मेड अप टू 31st March एवरी ईयर। बुक्स का बंद होता है 31st March को एंड डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड।
तो सर डिमिनिशिंग मेथड फॉलो किया जाता है, 10% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ऑन 1st July 2020 ए न्यू मशीन वॉज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4,35,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेज इनकर्ड इन इरेक्टिंग द मशीन वर्क आउट ₹9,800 ऑन द सेम डे। बोल रहा है मशीन खरीदे हैं 435 का, कब खरीदे हैं 1st जुलाई को, और उसी दिन इंस्टॉलेशन के लिए लगा है ₹9,800 का। तो सर 9,800 इस 435,000 में एड कर देंगे। ऑन द सेम डेट ऑन 1st जुलाई 2020 ए मशीन विच हैड कॉस्ट 4,16,200 ऑन 1st अप्रैल 2017 हैविंग बिकम अब्सोल्यूट वॉज सोल्ड ऑफ फॉर ₹90,000। बोल रहा है एक मशीन जो 1st अप्रैल 2017 को परचेज किए थे 4,16,200 में, उसको बेच दिए 1st जुलाई 2020 में, कितने में बेच दिए हैं 90,000 में। तो सर खरीदे अगर हम 2017 में था तो जो ऊपर में 21,15,250 का बैलेंस दिया हुआ है ये मशीन उसी के अंदर होगा। हम बोले हाँ। तो सर इसका मतलब हुआ कि जो बैलेंस दिया हुआ है उसके अंदर एक मशीन नहीं है, एक से अधिक मशीन है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा कितना सारा मशीन है उसके अंदर। फिर आगे लिखा हुआ है अनदर मशीन विच हैज कॉस्ट 2,38,000 ऑन 1st अप्रैल 2018 वॉज स्क्रैप्ड ऑन द सेम डे एंड इट रियलाइज नथिंग। बोल रहा है एक मशीन जिसका कॉस्ट 2,38,000 था 1st अप्रैल 2018 को, वाज स्क्रैप्ड ऑन द सेम डेट एंड इट रियलाइज नथिंग, और उससे कुछ भी नहीं मिला। ऑन 1st सितंबर 2020 ए न्यू मशीन वाज परचेज फॉर ₹2,50,000। बोल रहा है फिर ₹2,50,000 का एक और मशीन खरीदे। बोल रहा है प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाइए 2020-21 का अलाउइंग द रेट सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज इन द पास्ट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टू द न्यूरेस्ट मल्टीपल ऑफ ए रूपी। तो आप लोगों क्या बनाना है प्लांट एंड मशीन अकाउंट सिर्फ एक साल का, तो पहले फॉर्मेट को ड्रॉ कीजिए। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1st अप्रैल 2020 टू बैलेंस बीडी ये दिया हुआ है, कितने का है तो ये है 21,15,250। क्या इसमें एक मशीन है? नहीं, इसके अंदर तीन मशीन है, दो मशीन, एक मशीन तो बेच रहे हैं, एक मशीन स्क्रैप कर जाएगा, तो सर जाहिर सा बात है इसमें तीन मशीन होगा, तभी तो दो मशीन खत्म हो रहा है फिर भी मशीन बच जाएगा। तो M1, M2 और M3 इसके लिए करना पड़ेगा वर्किंग। तो कैलकुलेशन ऑफ WDV ऑफ M1 एंड M2 एज ऑन 31st मार्च 2020। तो M1 ये कब खरीदा गया है? सर ये परचेज किया गया था 1st अप्रैल 2017 में, और M2 ये कब परचेज किया गया? ये परचेज किया गया था 1st अप्रैल 2018। आइए कॉस्ट 17 में जब ये खरीदा गया था उस समय इसका कॉस्ट कितना था? 4,16,200 Having become absolute and sold। और दूसरा मशीन जो है वो 2,38,000 का कब था? 1st अप्रैल 2018 में, अभी 18 आया भी नहीं होगा। तो सर इसके ऊपर लगा होगा डेप्रीशिएशन। ये कॉस्ट किस दिन का है? 1st अप्रैल 2017 का, लेस डेप्रीशिएशन किस रेट से लगता है? 10%। तो पूरा एक साल ये आ गया WDV 1st अप्रैल 2018, और सर फिर इस दिन M2 भी आ गया होगा कितने का? 2,38,000 का। आइए माइनस करें 4,16,200 में 10%, कितना आया? 374,580। फिर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन 10%,
तो 37458 और 23800 पहुंचना कहां तक है? 2020 तक। क्या 2020 आया है? नहीं, अभी तो सर एक और साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये आया 37122 और 2,38,000 माइनस 10% 214,200 डेप्रिसिएशन 10% 33712 और 21420 ये आ गया WDV किस दिन का? 31 मार्च 20 का। तो ये हुआ 19,2780 33,712 माइनस 33712 ये आया 3,03,410। तो बताओ पहला मशीन इस 21,15,250 में एक मशीन होगा 3,03,410 और दूसरा मशीन होगा 192,780। तीसरा क्या होगा? मतलब सर इसमें इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो बैलेंसिंग फिगर ये निकल जाएगा। आइए माइनस करें 192,780 माइनस 21,15,250 तो सर ये होगा 16,19,060 रुपीज। अब सारा मशीन अलग अलग कर लिए हैं, ये दोनों मशीन तो इसी साल डिस्पोज हो जाएगा, पहला मशीन बेच देंगे दूसरा स्क्रैप हो जाएगा। चलिए अब आगे पढ़िए, उसके बाद क्या लिखा था क्वेश्चन में? उसके बाद लिखा था 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदे, 1 जुलाई 20 को 2 Bank M4 कितने में खरीदे? 435। लेकिन इसमें इंस्टॉलेशन का चार्ज लगा 98, तो 98 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 444,800। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा है 1 जुलाई 2020 ए मशीन विच कॉस्ट 416,200 ऑन 1 April 17 हैविंग बिकम अब्सोल्यूट वाज सोल्ड फॉर ₹90,000। अनदर मशीन विच कॉस्ट 2,38,000 ऑन 1 April 2018 वाज स्क्रैप्ड ऑन द सेम डे एंड इट रियलाइज नथिंग। तो सर दोनों मशीन के बारे में बोला है 1 जुलाई को दोनों मशीन एक बेच देंगे और दूसरा स्क्रैप हो जाएगा। तो 1 जुलाई को होगा तो 1 जुलाई तक पहले क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। M1 पे और M2 पे, M1 कितने का बचा हुआ है? 3,03,410। इसका 10% कितने मंथ के लिए? सर 1 April से 1 July, अप्रैल मई जून 3 मंथ के लिए, तो 3/12 और M2 192,780 10%। ये भी कितने मंथ के लिए? सर ये भी 3 मंथ के लिए, तो आइए 3 मंथ का निकालें। तो 3,03,410 into 10% डिवाइडेड बाय 3, 12 into 4 into 3 तो ये आएगा सर 7585 और ये 192,780 उसका 10% डिवाइडेड बाय 4 ये आएगा 4820। उसके बाद पैसा मिलेगा बाय बैंक स्क्रैप हो गया किसका? M1 का। कितना मिल जाएगा? बोला है 90,000 रुपीज मिल जाएगा।
और जो नहीं मिलेगा सर वो पीएल में, ये क्या है लॉस। तो क्या लॉस हम लोग निकाल सकेंगे? एकदम आराम से निकाल लेंगे। लॉस ऑन मशीन M1 M2, ध्यान देना, रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2020 को M1 का कितना था 3,03,410 और M2 का 192,780। तो बोले सर 3 मंथ का तो डेप्रिसिएशन लग गया, तो डेप्रिसिएशन 7,585 और 4,820 और सेल करके कुछ पैसा मिला, कितना पैसा मिला 90,000 M1 में मिला, M2 में तो वो भी नहीं मिला, तो क्या निकल जाएगा लॉस। ये निकल गया लॉस, आइए माइनस करें, तो 3,03,410 माइनस 7,585 माइनस 90,000 2,05,825 और इधर 192,780 187,960। तो ये लॉस कहां चला जाएगा? मतलब सर दोनों को मिला के यहां लिख दीजिए लॉस 2,05,825 प्लस 187,960, दोनों मिला के लॉस हो जाएगा 2,05,825 393,785। तो M1 M2 खत्म। फिर आगे बढ़ो, फिर लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2020 एक और मशीन खरीद ली, तो सर 1 सितंबर टू बैंक M5 कितने में खरीदे 2,50,000। अब हम अगर पूछे कितना मशीन बचा है तो सर 3, 4, 5 बुक्स कब बंद होता है मार्च में, तो 31 मार्च 2021 सबसे पहले बचे हुए मशीन पे क्या लगेगा डेप्रिसिएशन M3 पे तो सर पूरे एक साल का लगेगा, तो ये पूरा 10% 161,906। M4 पे कितने मंथ का लगेगा? मतलब सर जुलाई से लेके मार्च 9 मंथ का, तो सर 4,44,800 का 10% फॉर 9 मंथ निकालिएगा 4,44,800 इनटू 10% फॉर 9 मंथ, ये कितना आएगा 33,360। उसके बाद 2,50,000 पे कितना लगेगा? मतलब सर 1 सितंबर को खरीदा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 7 मंथ का इसके ऊपर लगेगा 2,50,000 का 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7, तो ये आएगा 145,83 ये आया। तो ये कितने मंथ का लगा? हम बोले सर ये लगा 9 मंथ का, ये कितने मंथ का लगा 7 मंथ का। तो हम बताने के लिए एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, वो अंडरस्टूड है कि हाँ बच्चा को पता है। अब हम लोग जोड़ के बाहर कर देंगे 33,360 प्लस 161,906 जोड़ लीजिए, जोड़ के आएगा 2,09,849 और जो बच जाएगा वो बैलेंस सीधी 31 मार्च 2021 M3 M4 M5 बताइए कितना कितना बचेगा। तो सर M3 में से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए
M4 में से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, M5 में से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, मिल जाएगा फिगर। तो 169060, दिस विल कम 145754, 14,57,154, 444,800 माइनस 33360, दिस विल कम 411,440, 250,000 माइनस 14,583, तो ये आएगा सर 235,417, जोड़ के बाहर 411,440 प्लस 14,57,154, 21,04,011 रुपीज, खत्म। सही होने पे क्या ये बराबर होगा? हाँ, आइए मैच कराएं। लिखिए पहले यहां, आइए जोड़े कितना आएगा, 28,150, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2A का सॉल्यूशन, जो डेप्रिसिएशन चैप्टर का था, और इसमें जो सारा बात था वो यहां पे था। यहां सर अगर हम इस मशीन को नहीं तोड़ पाएंगे तो प्रॉफिट लॉस निकाल ही नहीं पाएंगे। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 2B की ओर बढ़े। लिखा है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ सिंह ब्रदर्स ऑन 30 जून 2022 फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। नंबर 1, द बैंक पासबुक हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 75,000 ऑन 30 जून 2022। तो सर डेबिट बैलेंस है 30 जून का, हम लोग को BRS किस मंथ का बनाना है, 30 जून का। तो सर डेबिट बैलेंस पासबुक में मतलब पैसा नेगेटिव है, तो लिखिए डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना 75,000, कुछ आइटम ऐड होगा और कुछ आइटम लेस होगा। चलिए जैसे हम लोग सीखे थे कि सर वर्किंग में कैश बुक और पासबुक। पॉइंट नंबर 2, चेक 1200 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर बट नो एंट्री वाज मेड इन दी कैश बुक। एक कस्टमर जाके डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक पैसा जमा ले लिया, कैश बुक कुछ नहीं किया, तो सर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक कैसे करेंगे सर, क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हुआ है तो दोनों में चेंज किस में होगा, पासबुक में, तो पासबुक में चेंज कर दीजिए। क्या करना होगा, 1200 माइनस, क्या बराबर हो गया, जी तो जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर आंसर, तो माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर कितने का, 1200, तो माइनस हुआ तो माइनस कॉलम में लिख दिए। थर्ड पॉइंट, आउट ऑफ चेक इशूड 1,02,000, चेक अमाउंटिंग टू 60,000 ओनली वेयर प्रेजेंटेड टिल 30 जून। बोल रहा है 1,02,000 का चेक इशू किए, अगर हम इशू किए तो मेरा कैशियर क्या किया होगा, मेरे कैश बुक से माइनस कर दिया होगा। हम बोले सर बैंक में सिर्फ 60,000 ही निकाला गया, तो बैंक से कितना माइनस हुआ, 60। आइए बैंक से पूछ रहे हैं तो बैंक बोल रहा है 15,000 पॉजिटिव है, मेरा अकाउंटेंट क्या बोल रहा है कि पैसा क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, 27,000 नेगेटिव हो गया। ठीक कैसे करेंगे सर, बैंक में आपको 42,000 माइनस करना होगा तभी दोनों बराबर होगा नेगेटिव में। तो जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस है, तो माइनस में थर्ड नंबर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
कितना 42,000 माइनस के अंदर। अगला पॉइंट पढ़ा जाए, पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है चेक ऑफ रुपीज 12,000 रिसीव एंड इंटर्ड इन दी कैश बुक बट इट वॉज नॉट सेंड टू बैंक। बोल रहा है 12,000 कैश बुक में तो लिख दी लेकिन बैंक नहीं भेजे, तो मेरे अकाउंटेंट के हिसाब से पैसा क्या हो गया होगा, नेगेटिव में 15,000 और बैंक बोल रहा होगा 27,000 नेगेटिव में। ठीक कैसे करेंगे सर, जोड़ लीजिए, हो गया दोनों साइड बराबर, माइनस में ये भी 15 हो गया, माइनस में ये भी 15 हो गया, तो सर जहां पे बराबर हुआ उसके ऊपर ऐड किए, तो फोर्थ नंबर क्या लिखेंगे। बोले सर चेक रिसीव नॉट सेंड टू बैंक, चेक रिसीव एंड इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, कितने का 12,000। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है 60,000 का चेक, चेक वर्थ रुपीज 60,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट कलेक्शन वॉज रिपोर्टेड बाय द बैंक एज अंडर, चेक कलेक्टेड बिफोर 30 जून 42,000, चेक कलेक्टेड ऑन जुलाई 10 12,000, चेक कलेक्टेड ऑन 12th जुलाई 6,000। क्या बोल रहा है, 60,000 का हम चेक दिए कि भाई पैसा ले लेना, तो हम जोड़ दिए कि भाई बैंक को दिए, बैंक पैसा ले लेगा, तो मेरे हिसाब से मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है आपके पास पॉजिटिव 45, लेकिन बैंक बोल रहा है जून में सिर्फ 42,000 ही कलेक्ट हो पाया, तो हम बोले सर बैंक के हिसाब से कितना होगा, हम बोले सर 27,000 पॉजिटिव में, दोनों में डिफरेंस है कितने का, हम बोले सर दोनों में जो डिफरेंस है वो है 12 और 6, 18,000 का, तो कैसे ठीक करेंगे, बैंक में जोड़ देंगे, हो गया बराबर, तो जहां पे इक्वल है उसके ऊपर पॉजिटिव, तो फिफ्थ नंबर पॉइंट कहां जाएगा, हम बोले सर चेक नॉट कलेक्टेड इन जुलाई, बाय बैंक कितने का 18,000। सिक्स्थ नंबर लिखा है द बैंक मेड ए डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 1800 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक जो है 1800 का पेमेंट कर दिया, कैशबुक तो पता ही नहीं इस बारे में, तो कैशबुक बोल रहा है कि 45 है जबकि बैंक बोल रहा है 43,200 है। ठीक कैसे करेंगे सर, पासबुक में जोड़ दीजिए, दोनों साइड इक्वल हो गया, तो जहां इक्वल हुआ उसके ऊपर 1800 पॉजिटिव, क्या लिखेंगे सिक्स नंबर में, पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितने का 1800। चलिए पहले यहां तक लिखिए फिर इसको वापस रब करेंगे और शुरू से ऊपर से लिखेंगे, पहले यहां तक लिखिए। चलिए पॉइंट नंबर 7 को पढ़ें, क्या लिखा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक 4800 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक 4800 का इंटरेस्ट चार्ज किया है तो बैंक माइनस कर दिया, कैश बुक कुछ नहीं किया, तो बैंक बोल रहा है 40,200, कैश बुक बोल रहा है नहीं 45,000। ठीक कैसे करेंगे सर, पासबुक में जोड़े क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट करवाया है, जहां पे बराबर हुआ उसके ऊपर ऐड किए, सेवेंथ नंबर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितने का 4800। नेक्स्ट अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 पढ़िए, लिखा है बैंक चार्जेज वर्थ रुपीज 240 हैज बीन इंटर्ड ट्वाइस इन दी कैश बुक, बोल रहा है बैंक 240 रुपया चार्ज किया है तो बैंक 240 माइनस किया,
बोल रहा है कैशबुक इसको दो बार रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कैशबुक कितना रिकॉर्ड कर दिया 480, तो बैंक बोल रहा है 44,760 है, जबकि अकाउंटेंट क्या बोल रहा है 44,520 है। ठीक, कैसे करेंगे? माइनस करके, फोर्टी फोर फाइव ट्वेंटी दोनों बराबर हो गया, जहां बराबर हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव है, तो सर नेगेटिव में लिखेंगे पॉइंट नंबर एट, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, कितने का 240। नेक्स्ट, अगला पॉइंट पढ़िए, उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, बोल रहा है इंश्योरेंस चार्ज 210 डायरेक्टली पेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बोल रहा है 210 रुपया का इंश्योरेंस बैंक डायरेक्ट दे दिया, इस बारे में अकाउंटेंट कुछ नहीं किया कैश बुक में, तो सर दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक, कैसे करेंगे? पासबुक में एड करके 210, ये हुआ इक्वल, तो सर जहां पे इक्वल हुआ उसके ऊपर पॉजिटिव है, तो एट नंबर दूसरा बार भी आया, इंश्योरेंस चार्ज पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना 210 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर है नाइन, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय रूपीज 6,000, बोल रहा है कैश बुक का क्रेडिट साइड 6,000 रुपया से अंडर कास्ट हुआ है, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, अगर 6,000 से पेमेंट का साइड में पैसा कम लिखा गया है तो सर आपका कैश बुक 6,000 से बढ़ गया होगा, क्या इस चीज का पासबुक कुछ किया होगा? जी नहीं, तो अकाउंटेंट का अकाउंट्स में क्योंकि 6,000 वो खर्चा कम दिखाया, क्रेडिट साइड में कम लिखा मतलब खर्चा कम दिखाया, खर्चा कम दिखाने से पैसा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, हम बोले दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक, कैसे करेंगे? सर 6,000 जोड़ दीजिए, फिफ्टी फाइव ट्वेंटी, तो सर 6,000 रुपीज का एड हो जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, कितने का 6,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, ए बिल ऑफ 3,000 डिस्काउंटेड विथ बैंक इन मई 2022 डिसऑनर इन जून 2022 एंड नोटिंग चार्ज 100, बोल रहा है 3,000 का बिल जो बैंक से हम मई में डिस्काउंट कराए थे और अभी जून में जाके वो डिसऑनर हो गया, 100 रुपए का नोटिंग चार्ज भी लगा, तो जाहिर सा बात है सर बैंक 3,100 रुपीज से मेरा अकाउंट से पैसा काट लिया होगा, बोलेगा बिल डिसऑनर हो गया, मेरे अकाउंटेंट को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस क्रिएट है। ठीक, कैसे करेंगे? सर जोड़ लीजिए, 10वां पॉइंट भी यही आया, बिल डिसऑनर, कितने का 3,100 का, आइए टोटल लिखा जाए, टोटल किया जाए, आइए ये आएगा 45,910 प्लस वाला माइनस 75 प्लस 1200 प्लस 42,000 प्लस 240, ये आएगा 1,18,440, तो माइनस वाला पैसा अधिक है, तो बैलेंस किसमें बच जाएगा? माइनस के अंदर बैलेंस बच जाएगा, 45,910 माइनस कीजिए, बैलेंस बच गया 72,530, क्योंकि माइनस आया है तो सर पासबुक से शुरू किए हैं तो कैशबुक में खत्म होगा, तो कैशबुक का माइनस में नाम क्या लिखते हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, जो आपको अच्छा लगे लिख दीजिए,
ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। यही आंसर आएगा। हो सकता है कुछ लोग हमसे ना पढ़े हो तो वो बोल रहे होंगे सर हम तो उल्टा लिखते, आप उल्टा लिखिए सीधा लिखिए वो फर्क नहीं पड़ता है, आंसर यही आएगा। तो अगर आपका आंसर ये आता है तो आप सही बनाए हैं, और नहीं आता है तो कुछ गलत है आपसे। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 का ए लिखा है, हरी ऑफ बैंगलोर कंसाइन 2000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1000 ईच टू ओम ऑफ हैदराबाद। तो कंसाइनर कौन है? हरी। कंसाइनी कौन है? ओम। हरी पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कंसाइनर का खर्चा, कैरेज फ्राइड लोडिंग, ओम सेल्स 1400 केसेस एट द रेट रुपीज 1400 पर केसेस एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंस। तो जो कंसाइनी ओम है वो 1400 केसेस बेच दिया और 1400 रुपीज करके बेचा हर एक केस को। कंसाइनी खर्चा है क्लियरिंग चार्जेज, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, पैकिंग एंड सेलिंग। इट इज फाउंड दैट 100 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, 100 केसेस रास्ते में खो गए, तो सर ये एबनॉर्मल लॉस है। एंड 200 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट, और 200 अभी भी रास्ता में है, तो सर ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ओम इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल, जितना भी ओम सेल करेगा उसके ऊपर 10% का उसको क्या मिलेगा? कमीशन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ओम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हरी। सर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना होता है। क्या भेज रहे हैं? 2000 केसेस किस प्राइस पे भेज रहे हैं? 1000। तो सर ये तो हो जाएगा 2,000,000। एक्सपेंस तो 2 कैश, ये कौन कर रहा है? कंसाइनर, कैरेज, फ्राइट और लोडिंग। अमाउंट है 20,60,20। ये खर्चा कितने पीस पे हुआ है? 2000 पीस के ऊपर 1,00,000 कंसाइनर खर्चा किया है। फिर लिखा है जो कंसाइनी ओम है वो बेच दिया बाय ओम अकाउंट, क्या किया है वो? सेल। कितना पीस? 1400 केसेस, किस रेट पर? 1400 के रेट पर। आइए मल्टीप्लाई करें, 1400 इंटू 1400 1,960,000। उसके बाद एक्सपेंस किया है ओम टू ओम अकाउंट, क्या क्या खर्चा किया है? एक तो है क्लियरिंग चार्ज 17, उसके बाद स्टोरेज का खर्चा जो कि है 34, उसके बाद सेलिंग का खर्चा जो कि है 12, इसके अलावा क्या मिलेगा उसको? कमीशन। कितना कमीशन है? 10%। किसके ऊपर? सेल के ऊपर। सेल है 1,960,000, उसका 10% 1,96,000। ये है ओम के लिए एक्सपेंस कि सर ये ओम खर्चा किया है। फिर बोला है 100 पीस खो गया वो एबनॉर्मल लॉस, ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या बनाएंगे? नोट 1, और उसके अलावा कंसाइनमेंट स्टॉक। इसके लिए क्या बनाएंगे? नोट 2, तो चलिए इसको जोड़ के बाहर करें तो 17 + 34 = 51,000 + 12,000 + 196 259,000। पहला वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस।
तो सर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 100 केसेस, तो सर कॉस्ट तो है 1000 करके, तो 100 × 1000 1 लाख प्लस कंसाइनर का एक्सपेंस, कंसाइनर खर्चा किया था 1 लाख, लेकिन ये खर्चा वो कितने पीस पे किया था, 2000 के ऊपर, हमको तो सिर्फ 100 का निकालना है, तो 1 2 1 2 1 1 तो सर 5000 रुपया। कितना आ गया एबनॉर्मल लॉस, 1,05,000। सर कंसाइनी का नहीं लेंगे, नहीं वो रास्ते में खोया है, तो जो सामान रास्ते में खोया है उस पर कंसाइनी कोई भी खर्चा नहीं किया है, तो ये तो निकल गया। अब बात करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक का। सर कंसाइनमेंट स्टॉक है इन ट्रांजिट, कुछ सामान रास्ते में है और इन हैंड, और कुछ सामान मिल चुका जो हाथ में पड़ा हुआ है। तो नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, क्या एक साथ निकाल लेंगे, हां डबल डबल मेहनत क्यों करिएगा। इन ट्रांजिट, रास्ते में कितने पीस है, 200 केसेस, इन हैंड और कंसाइनी के हाथ में या गोडाउन में कितना पीसेस है, हमें बहुत सिंपल है, 2000 में 100 पीस तो बर्बाद हो गया, तो 1900 पीस मिला था, उसमें से 1400 पीस वो बेच दिया, हम बोले नहीं सर गलत बोले, 2000 में 100 पीस बर्बाद हो गया, 200 पीस रास्ते में है, तो 1700 मिला, आउट ऑफ 1700 1400 वो बेच दिया, तो 300 अभी भी होगा जो कंसाइनी के गोडाउन में होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ केसेस 1000 रुपया करके, तो सर 200 पीस पे 2 लाख, 300 पीस पे 3 लाख। कंसाइनर का खर्चा, तो हम बोले सर 200 पीस पे कंसाइनर खर्चा कितना, तो हम बोले सर बहुत सिंपल है, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, 1 लाख रुपया खर्चा किया कितने पीस पे, 2000, तो 200 पीस पे कितना, 10000 रुपया, तो सर यहां पे आएगा 15000 रुपया 300 पीस पे। उसके बाद ऐड करेंगे सर कंसाइनी का खर्चा, इस पे तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सर जो सामान रास्ते में है उस पर कंसाइनी को खर्चा किया ही नहीं होगा, कंसाइनी सिर्फ अपने सामान पे खर्चा किया होगा, तो कंसाइनी का कौन सा खर्चा लेंगे, 17000। क्या कंसाइनी 2000 पीस पे ये खर्चा किया है, नहीं, कंसाइनी को तो मिला ही है सिर्फ 1700 पीस, तो वो खर्चा किया है 1700 पे, निकालना है 300 का, तो सर ये तो 10-12 में कट जाएगा, कितना आएगा 3000, जोड़ लो 2,10,000, 3,18,000 मिल गया। तो इन ट्रांजिट में जो सामान है उसका कॉस्टिंग 2,10,000 और जो हाथ में सामान है उसका कॉस्टिंग 3,18,000, 5,28,000। आइए प्लस माइनस करें, जो बचेगा वो कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यही है कंसाइनमेंट का प्रॉफिट, लिखिए ₹25,93,000। आइए माइनस करें, 20 लाख माइनस 1 लाख माइनस 2,59,000, 2,34,000 का प्रॉफिट। तो ये हम लोग का अभी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, अभी और क्या बनाना है, जो कंसाइनी ओम है उसका भी अकाउंट लिखिए। चलिए कंसाइनी का अकाउंट ओम, तो सर ओम में क्या आएगा, ओम का नाम क्रेडिट में था डेबिट में आएगा, टू कंसाइनमेंट कितना 19,60,000।
उसके बाद डेबिट में नाम मिला, कहां आएगा? क्रेडिट में। कितना? 259, जो बच जाएगा बैलेंस सीडी। माइनस करेंगे 19,60,000 माइनस 259,000, ये आएगा 17,01,000। इतना पैसा और लेना है ओम से। किसको लेना है? हरी को। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बी की ओर बढ़े। क्वेश्चन क्या है? लिखा है फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट निकालना है, डेट ऑफ बिल, अमाउंट और यूसेंस ऑफ बिल। तो सर बिल का डेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, और वो कितने मंथ का बिल है इसके बारे में बताया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला डेट ऑफ बिल क्या है? सर ईयर चल रहा है 2021, पहला बिल का डेट है 28 जैन, एक मंथ। तो सर जोड़ लीजिए एक मंथ, 28 से एक मंथ 28 फेब, तीन दिन जोड़ेंगे तो 3 मार्च आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बिल है 20 मार्च, ये बिल है 2 महीने का, तो 20 मार्च से जोड़िए 2 महीना, अप्रैल मई 3 दिन और 23 मई। उसके बाद 12 जुलाई, एक मंथ। तो सर 12 जुलाई में एक मंथ जोड़ेंगे तो 12 अगस्त 3 दिन और 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त दे पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पीछे आ जाइए 14 अगस्त। और उसके बाद है 10 अगस्त, बिल है 2 महीने का, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 13 अक्टूबर। अमाउंट बताओ 10,000, 8,000, 14,000 और 12,000। नंबर ऑफ डेज हमने सर उसको निकालने के लिए पहले आपको एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लिखना होगा। तो एवरेज ड्यू डेट आइए, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या लिखते थे? बेस डेट प्लस प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। बेस डेट क्या लेंगे? सबसे अर्लीएस्ट ड्यू डेट कौन है? सर 3 मार्च। प्लस आइए, तो सर जो 3 मार्च है वो तो 0। अब 3 मार्च से 23 मई आने में कितना टाइम लगेगा? तो मार्च का 28, अप्रैल का 30 और मई का 23 जोड़ के आएगा कितना दिन? 81 डेज। उसके बाद 3 मार्च से 14 अगस्त आने में कितना दिन लगेगा? 164 डेज। और 3 मार्च से 13 अक्टूबर आने में कितना दिन लगेगा? 224। मल्टीप्लाई 0, 8,000 × 2, तो सर 64,800। फोर्टीन थाउजेंड इंटू वन सिक्सटी फोर 224 × 12,000 26,88,000। चलिए जोड़ा जाए अमाउंट को, तो सर ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 44,000। इधर 2296 प्लस 648,000, 56,32,000।
डिवाइडेड बाय 44,128 डेज। आइए जोड़े 128 डेज, तो मार्च का सर 28 डेज जोड़ेंगे, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, तो सर 28 खत्म, यहां 91 खत्म, प्लस 9 दिन और, तो ये आ जाएगा सर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 9th जुलाई 2021, ये है आपका एवरेज ड्यू डेट। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के सी की ओर बढ़े। क्वेश्चन है ऑन 1st जनवरी 2022 पी अकाउंट इन क्यू लेजर शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ रूपीज 5,000, तो सर क्यू के लेजर में पी का डेबिट बैलेंस है 5,000। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन क्यू एंड पी ड्यूरिंग दी क्वार्टर एंडेड 31st मार्च 2022, उसके बाद बहुत सारा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। अकाउंट वर सेटल्ड ऑन 31st मार्च 2022 बाई मीन्स ऑफ ए चेक, बोल रहा है जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा उसको सेटल कर लेंगे 31st मार्च को। प्रिपेयर अकाउंट करेंट टू बी सबमिटेड बाई क्यू टू पी एज ऑन 31st मार्च 2022, टेकिंग इंटरेस्ट इन टू अकाउंट एट द रेट 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रूपी, तो सर आपको इंटरेस्ट नियरेस्ट मल्टीपल में लेना। चलिए शुरू करें, फॉर्मेट आपके सामने है। ईयर क्या चल रहा है सर? ईयर चल रहा है 2022। पहला जनवरी 1st, बैलेंस बीडी अमाउंट है 5,000, ड्यू डेट नहीं बताया तो सर जनवरी 1 लीजिए। उसके बाद क्यू रिसीव्ड ए प्रोमिसरी नोट फ्रॉम पी, बोल रहा है क्यू को प्रोमिसरी नोट मिला, कब मिला है? जनवरी 11 को क्यू सामान बेचा, तो सर टू सेल, क्यू अपने बुक में सामान क्या लिखेगा? सेल। कोई ड्यू डेट नहीं तो सर ड्यू डेट होगा जनवरी 11, अमाउंट 6,000। इसके बाद है जनवरी 24, क्यू को प्रोमिसरी नोट मिला बाय प्रोमिसरी नोट, कितना सर? ये है, एक मिनट कहां चला गया, 5,000। इसका ड्यू डेट कब आएगा? 3 मंथ के बाद, तो 24 जनवरी से 3 मंथ जोड़िए तो सर 24 अप्रैल आ जाएगा, 3 दिन और, 27th अप्रैल। उसके बाद फरवरी 1, पी सोल्ड टू क्यू, तो सर पी बेच रहा है तो क्यू के लिए क्या होगा? सेल, सॉरी क्यू के लिए परचेज, तो बाय परचेज। अमाउंट इज 10,000। फिर है फरवरी 4, क्यू बेचा पी को, तो सेल, डेट है फरवरी 4, तो सर ड्यू डेट भी कितना आएगा? फरवरी 4, अमाउंट 8,200। फरवरी 7, पी रिटर्न कर दिया, तो पी जो खरीदा था मतलब क्यू का सेल रिटर्न हो गया, कब हुआ है? फरवरी 7 बाय सेल रिटर्न, कितने का रिटर्न हुआ है? 1,000। नेक्स्ट, उसके बाद मार्च 1st, पी बेचा क्यू को, तो परचेज हुआ क्यू के लिए, परचेज मार्च 1 कितने का? 5,600। उसके बाद क्यू बेचा पी को, तो सर सेल, डेट है मार्च 18, मार्च 18 कितने का? 9,200 का।
उसके बाद पी बेचा क्यू को, तो सर परचेज है क्यू के लिए, कब? मार्च 23। अमाउंट 4000। हम लोग क्या लिखना है, नंबर ऑफ डेज लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। सर इसमें मत लिखिएगा क्योंकि ये रेड इंटरेस्ट वाला है, तो ये अपोजिट साइड में लिखा जाएगा। हम बोले बिल्कुल, तो पहले आप यहां तक लिखिए फिर नंबर ऑफ डेज लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जनवरी 1 से लेकर के 31 मार्च तक कितना दिन आएगा? तो सर जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 डेज, मार्च में 31 डेज, 90 डेज। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 4.5 लाख। 11 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक सर 80 डेज। तो बोले नहीं, जनवरी 11 को छोड़ देना है, तो सर 79 डेज। तो 79 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3047 4000। उसके बाद फरवरी 4 से काउंट कीजिए, तो सर फरवरी 4 छोड़ दीजिए, 24 दिन और 31 कितना हो जाएगा, 55 डेज। मल्टीप्लाई कीजिए 8200 से, तो 4,51,000। 18 मार्च से, तो सर 18 मार्च तक छोड़ दीजिए, कितना बचा, 13 डेज। 13 डेज को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1,19,600। उधर 1 फरवरी से, तो सर फरवरी में 27 दिन और उधर 31 डेज, 58 डेज, 5,80,000। उसके बाद 21 प्लस 31, 52 डेज, तो 52,000। मार्च 1 से, तो 30 डेज, 1, 2, 3, 168। उसके अलावा मार्च 23 से 8 डेज कितना आएगा, 32,000। अब ये प्रोमिसरी नोट वाला सर, किस दिन, मार्च 31, 2 रेड इंक प्रोडक्ट, ड्यू डेट कितना आएगा, अप्रैल 27, नंबर ऑफ डेज कितना लेंगे, 27। ये पैसा कहां लिखेंगे, सीधा प्रोडक्ट के अंदर, अमाउंट में नहीं। तो सर 5000 है, मल्टीप्लाई कीजिए 27 से, कितना आएगा, 1,35,000। ये हो गया। अब निकालेंगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, चलिए जोड़ा जाए और बताइए बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा। तो सर ये जोड़ करके आएगा 4,50,000, ये जोड़ के आएगा 16,29,600। माइनस करेंगे तो बचेगा 7,97,600। अब इस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट। आइए इंटरेस्ट निकालें, तो 7,97,600 रेट कितना है, 10%, और कितने का निकलेगा, 1/365। आइए निकाले कि 797,600 का 10% डिवाइडेड बाय 365, सर 219 रुपीज, अमाउंट में लिखेंगे 219 रुपीज। अब जोड़ेंगे और जो बैलेंस आएगा, क्वेश्चन बोला है उसका चेक से पेमेंट हो जाएगा टू बैंक, सॉरी बाय बैंक,
ये आपका बैलेंसिंग फिगर। चलो जोड़ा जाए, 5 और 6 11,000 प्लस 82 प्लस 92 प्लस 219 28,619 माइनस 5 और 10 15 और 1 16,000 माइनस 9,600 3,019 रुपीज। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का सी। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का ए। द बैलेंस शीट ऑफ सैम सैफ एंड शमीर एज एट 31 दिसंबर 2021 स्टूड एज फॉलो। तो तीन पार्टनर है, सैम सैफ और समीर, जिसका बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2021 का दिया हुआ है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में है कैपिटल सैम का 60, सैफ का 40 और समीर का 40। क्रेडिटर 25,800, जनरल रिजर्व 8,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2,400। ये क्या है? हम बोले सर ये एक रिजर्व है, अगर इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा तो जस्ट लाइक नॉर्मल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और अगर इसके ऊपर कुछ बोलेगा तो फिर उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग 74, इन्वेस्टमेंट 10, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तो लॉस है, ये तो राइट ऑफ हो जाता है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एट सरेंडर वैल्यू, सैम सैफ समीर तीनों पार्टनर का अलग अलग क्या दिया हुआ है? सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल दिया हुआ है, कैश और बैंक टोटल है 176,200। समीर डाइड, जो थर्ड पार्टनर समीर है उसका डेथ हो गया 31 मार्च 2022 को, बैलेंस शीट था 31 दिसंबर 2021 का, डेथ हुआ है 31 मार्च, मतलब 3 मंथ काम करने के बाद वो क्या कर गया है? डेथ कर गया है। तो सर 3 मंथ का आपको इसको प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। ड्यू टू दिस रीजन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड अपॉन, इस कारण से ये सारे एडजस्टमेंट होंगे। नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग 50% से एप्रिशिएट कर देंगे, तो सर ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 6% से लेस हो जाएगा, तो सर इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, उसका 6% 600, क्या ये रिवैल्यूएशन में जाएगा? नहीं, क्योंकि हम लोग के पास रिवैल्यूएशन फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है। तो ये जो 600 रुपया का इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा, इस लॉस को हम लोग किससे एडजस्ट कर लेंगे? फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे, एक्चुअली इसी पर्पज के लिए बनाया ही जाता है उसको। फिर लिखा है ऑल डेटर वेयर गुड एक्सेप्ट 20% विच आर कंसिडर डाउटफुल, तो सर 20% का डाउटफुल बनाना है डेटर के ऊपर। स्टॉक का वैल्यू घट के 94% हो जाएगा, मतलब स्टॉक 6% से डिक्रीज कर जाएगा। आगे गुडविल टू बी वैल्यूड 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर, 5 साल के प्रॉफिट का गुडविल निकालना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 1। समीर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 complete year इमीडिएटली प्रिसीडिंग द ईयर ऑफ डेथ। बोल रहा है समीर को जो प्रॉफिट देना है उसके मरने के दिन तक, उसके लिए 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। वो 3 साल कौन सा लेना है? बोल रहा है जिस साल मरा है उसके पीछे का 3 साल, तो मरा है 22 में, तो 21, 20 और 19 का प्रॉफिट लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ समीर शेयर इन प्रॉफिट। उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 5 सालों का, 17, 18, 19, 20, 21, तो गुडविल निकालने के लिए 5 साल का प्रॉफिट यूज करेंगे, और समीर का प्रॉफिट निकालने के लिए 19, 20 और 21 का प्रॉफिट यूज करेंगे। लाइफ पॉलिसी हैव बीन सोन एट देयर सरेंडर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग 10% ऑफ द सम अस्योर्ड इन ईच केस। बोल रहा है जो लाइफ पॉलिसी है ऊपर में जो सरेंडर वैल्यू है वो सम अस्योर्ड का 10% है, तो ऊपर में जो वैल्यू दिया हुआ है सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट में वो कितना है? पूरे पॉलिसी वैल्यू का 10%। तो हम बोले सर समीर अगर मरा है तो समीर का सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है 1,000, तो ये 10% है सम अस्योर्ड का, तो जब डेथ करेगा तो कंपनी आपको पूरा पैसा भेजेगा। तो अगर समीर का सरेंडर वैल्यू 10% के बराबर 1,000 रुपया है तो बताओ 100% उसका कितना होगा? बोले सर 10% अगर 1,000 रुपया है तो 100% उसका 10,000 रुपया पॉलिसी वैल्यू होगा। वो पैसा क्या होगा? मिल जाएगा कंपनी से किसको? पार्टनरशिप फर्म को, और पार्टनरशिप फर्म उस पैसे को किसको बांट देगी? पार्टनर्स को। बोले ओके। फिर आगे लिखा हुआ है द एनुअल प्रीमियम 1,000 इज पेबल एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त, हर साल 1 अगस्त को हम लोग प्रीमियम पे करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। इस बार क्वेश्चन आपको लेजर नहीं बनाने बोला है, वो क्या बोला है? एंट्री कीजिए एकदम आराम से। क्या क्या एंट्री होगा? हम लोग सर
सबसे पहले वर्किंग का बात करिए, क्या क्या वर्किंग होगा। हम बोले एक तो गुडविल निकालने का वर्किंग होगा, हम बोले ठीक। दूसरा सर समीर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का वर्किंग होगा, बोले ठीक। तीसरा पॉलिसी वैल्यू ऑफ समीर निकालने का वर्किंग होगा। तीन वर्किंग करना है, गुडविल का, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर और तीसरा पॉलिसी वैल्यू ऑफ डेथ पार्टनर, ये तीन चीज निकालने का वर्किंग होगा। फिर इस तीनों का एंट्री भी होगा, बोले बिल्कुल। बैलेंस शीट में किसका किसका एंट्री होगा, सर जनरल रिजर्व है पार्टनर को बांट दीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है पार्टनर को बांटेंगे विथ एडजस्टमेंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तीन चीज है जो डायरेक्ट पार्टनर को बटने वाला है। उसके अलावा रिवैल्युएशन का नीचे बात है तो रिवैल्युएशन का एंट्री होगा। और कोई बात, हम बोले सर उसके बाद गुडविल का, प्रॉफिट का और जेएलपी का, इसका एंट्री कर लेंगे। और फाइनली जब सारा एंट्री कर लीजिएगा तो रिवैल्युएशन में प्रॉफिट लॉस होगा उसका एंट्री करना पड़ता है, और डेथ के केस में जो पार्टनर बचा है, उस जो पार्टनर मरा है उसका पैसा उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना होगा। इतना एंट्री हम लोग करना है। सबसे पहले वर्किंग करते हैं एकदम आराम से, सब छोड़िए वर्किंग करिए। पहला वर्किंग बोलो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैसे निकालेंगे गुडविल। सर पांच साल का प्रॉफिट लेना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे फाइव इयर्स का, तो सर पांच साल का एवरेज प्रॉफिट 23,000 प्लस 28,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो सर इसको प्लस करके डिवाइड करेंगे तो 21,000। क्या गुडविल भी इतना ही होगा, हम बोले हां गुडविल भी 21 ही होगा। गुडविल ऑफ द फर्म 21,000 का एवरेज प्रॉफिट, बोला है एक साल लेना है तो सर एक साल 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें मरने वाले का हिस्सा, तो सर समीर शेयर इन गुडविल, कितना हिस्सा है 1/3, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बताया नहीं तो इक्वल। दूसरा वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ समीर शेयर ऑफ इन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस भी इसको आप बोल सकते हैं। तो सर इसके लिए बोला है एवरेज प्रॉफिट लेना है तीन सालों का ऑफ लास्ट थ्री ईयर, तो लास्ट तीन साल का प्रॉफिट क्या क्या लेंगे, 18, 16, 20 कितना आएगा 18,000। तो सर इसमें समीर का हिस्सा या पीएल सस्पेंस जिसको आप बोलते हैं 18,000, तो सर एक साल का है, समीर तीन मंथ काम किया तो तीन महीना का प्रॉफिट, उसमें समीर का हिस्सा कितना, सर 1/3, ये कटा ये कटा 1,500 रुपया। तीसरा वर्किंग, क्या यही कर ले, कर लीजिए सर। अमाउंट ऑफ लाइफ पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू है 1,000, क्वेश्चन बोला है कि जो सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू कितना है समीर का, क्योंकि समीर मरा है सारे पार्टनर का अलग अलग पॉलिसी है, तो समीर मरा है तो कंपनी इसका पॉलिसी का वैल्यू घटाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है जो सरेंडर वैल्यू है ये 10% के बराबर का है, मतलब जितना हम कराए हैं उसका 10% सरेंडर वैल्यू है। तो हमारे सर अगर सरेंडर वैल्यू 10% है तो पॉलिसी वैल्यू कितना होगा, हमारे सर 10% से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 10,000, 100% निकल गया कि सर आप 10,000 का कराए होंगे तभी तो 10% 1,000 रुपया सरेंडर वैल्यू दिखाई दे रहा है। ये तीन हम लोग को क्या करना था, ये तीन हम लोग को वर्किंग करना था सर, वो कर लिए। अब आते हैं एंट्री का पॉइंट, सबसे पहले बैलेंस शीट का एंट्री करेंगे। बैलेंस शीट में सर जनरल रिजर्व है तो पहला एंट्री जनरल रिजर्व किसको मिलेगा, तीनों पार्टनर को, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट,
पार्टनर का नाम सैम कैपिटल। दूसरा सैफ कैपिटल। और तीसरा समीर कैपिटल। अमाउंट जनरल रिजर्व है 8000 का। तो सर 8000 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इक्वली, कितना आएगा 2667, 2667 और 2666। बी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का। तो सर इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितने का है 2400। टू क्रेडिट में क्या लिखेंगे सर इन्वेस्टमेंट का नाम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट घट रहा है तो जो इन्वेस्टमेंट घटने से लॉस होगा वो इसी प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। टू इन्वेस्टमेंट कितना 6% और इन्वेस्टमेंट है 10000 का तो 600 रुपया, तो 1800 रुपया का रिजर्व बच गया, वो किसको मिलेगा सर पार्टनर को, सैम कैपिटल, सैफ कैपिटल और समीर कैपिटल। कितना कितना बटेगा 600 600 600। बी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा एंट्री भी हो गया। तीसरा एंट्री सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 37800 का, सीधा पार्टनर को दे दीजिए। तो एंट्री क्या होगा लॉस देने का, पार्टनर को डेबिट करना होगा। सैम कैपिटल डेबिट, सैफ कैपिटल डेबिट और समीर कैपिटल भी डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितने का है 37800। आइए डिस्ट्रीब्यूट करें इसको। तो सर तीनों में लिखिए 12600। बी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इधर मिटा देंगे ये सारा बात, हम लोग याद रखेंगे कि सर 10000 ये है पीएल सस्पेंस, 1500 का है, इसका भी एंट्री होगा, गुडविल का भी एंट्री होगा। लिखिए पहले यहां पर। चलिए बैलेंस शीट का बात हो गया, वहां से जो एंट्री कर सकते थे कर लिए। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़िए, लिखा है समीर का डेथ हो गया तो इससे कोई एंट्री नहीं बनेगा। पहला पॉइंट लैंड एंड बिल्डिंग 50% से इंक्रीज कर जाएगा। तो सर लैंड एंड बिल्डिंग 74 का है बैलेंस शीट में, 50% 37000 एंट्री। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंट्री नंबर 4। कितने का 37000 टू रिवैल्यूएशन। बी लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड अगला पढ़िए। सेकेंड पॉइंट इन्वेस्टमेंट वो डील कर चुके हैं सर। थर्ड पॉइंट डेटर 20% का डाउटफुल बनाना है और स्टॉक को घटा देना है 6% से। तो सर एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू स्टॉक। आइए देखें कितना बनाना है 20%। तो सर 20000 का 20% 4000 माइनस
ऑलरेडी बना हुआ है कितने का? सर ऑलरेडी बना हुआ है 1600 का, तो सर 4000 माइनस, तो सर 2400 रुपया का और बनाइए। स्टॉक 6% घट जाएगा, बोल रहा है 94% वैल्यू हो जाएगा, तो स्टॉक है सर 20,000 का, उसका 6% 1200 कितना आ गया 3600। बी स्टॉक एंड डेटर रिड्यूस, सिक्स नंबर एंट्री। आगे बढ़िए, उसके बाद किस पॉइंट का एंट्री आएगा? सर पॉइंट नंबर फिफ्थ गुडविल का, तो जो पार्टनर डेथ किया है उसके जाने से किसको गेन होगा? सर रिमेनिंग पार्टनर को 1:1 का गेन है, तो सर सैम कैपिटल डेबिट। ये सब बात बहुत आसान है जी, ये सब बात सीखे हुए हम लोग, तो सैम कैपिटल डेबिट, सैफ कैपिटल भी क्या होगा डेबिट टू शमीर कैपिटल, किस रेशियो में बटेगा? सर गेन रेशियो जो है 1:1। बी गुडविल एडजस्टेड। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर सिक्स, सर ये पीएल सस्पेंस का एंट्री है जो निकाल चुके थे 1500, एंट्री क्या होगा? पीएल सस्पेंस डेबिट टू समीर कैपिटल 1500। बी समीर शेयर ऑफ प्रॉफिट अलाउड, उसके बाद एट पॉइंट, अगला पॉइंट किस चीज का? उसके बाद सर प्रॉफिट ज्वाइंट लाइफ जो पॉलिसी जो मिला है उसका, तो हम बोले सर 10,000 रुपए का पॉलिसी का वैल्यू मिला होगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ लोग बोल सकते हैं सर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि इंश्योरेंस का पैसा मिला है, तो उनके लिए लिख रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। कुछ लोग बोलेंगे सर मर गया तो पैसा मिल ही गया होगा, कुछ लोग बोल सकते हैं सर क्वेश्चन नहीं लिखा है इसलिए इंश्योरेंस कंपनी लिखी है, हम बोले दोनों का बात मान लेते हैं, ऐसे भी लिखवाए हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी कितने का मिलेगा 10,000, जो मरा है उसका पॉलिसी का पैसा मिल गया 10,000। बी पॉलिसी वैल्यू ऑफ समीर ड्यू ऑब्लिक रिसीव। अब क्या होगा 10,000 रुपया में 1,000 तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिखाई रहा है पॉलिसी वैल्यू, तो सर 9,000 रुपया से लाइफ पॉलिसी डेबिट होगा और तीनों पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। पहले यहां तक लिखिए, आइए स्क्रीन को नीचे करें, हमको जरूरत है इसीलिए स्क्रीन को नीचे कर रहे हैं। नंबर नाइन, सर लाइफ पॉलिसी का पैसा, ये सब सिखा के बैठे हुए हैं आपको हम कि अगर बैलेंस शीट के अंदर सरेंडर वैल्यू आता है तो क्या होता है, जितना पैसा मिला है उसमें से 10,000 में से 1,000 रुपया ऑलरेडी समीर का बैलेंस मिला हुआ है बैलेंस शीट में, तो 9,000 रुपया लाइफ पॉलिसी 10 से क्रेडिट किए 10 से डेबिट होना चाहिए, तो सर 1,000 तो ऑलरेडी डेबिट है किसका? हम बोले सर समीर का। क्या सर बाकी दोनों से मतलब नहीं है? बाकी दोनों से क्यों मतलब है, वो दोनों जिंदा है उनका पॉलिसी कंटिन्यू चलते रहेगा, ये 9,000 रुपया किसको मिलेगा? सर सभी पार्टनर को, सैम सैफ और समीर। कितना इक्वल बांट दीजिए 3,000। बी पॉलिसी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड तो ये कोई नया बात नहीं था सर, हम लोग जीएलपी पढ़ाए हैं वहां पे समझाए भी हैं, अगर आप जीएलपी नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको पहले जीएलपी पढ़ना चाहिए फिर इस क्वेश्चन बनाना चाहिए। अब क्या होगा सर सारा एंट्री खत्म? हम बोले नहीं, जब जैसे ही हम लोग सारा एंट्री लगा के खत्म हो गया
तब याद आया सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट का भी तो एंट्री होगा। हम बोले बिल्कुल, आओ निकाले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट का एंट्री। तीन एंट्री में कोई रीवैल्यूएशन का बात नहीं है। एंट्री नंबर फोर, रीवैल्यूएशन क्रेडिट है 37 से, डेबिट है 3600 से, तो सर प्रॉफिट होगा कितने का? तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा 37,000, यहां पे दिखा रहे हैं। हम बोले सर 37,000 का क्रेडिट है और 3600 का डेबिट है, तो पैसा कितना बचा? 33,400। तो ये है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, किसको मिलेगा? पार्टनर को। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सैम कैपिटल टू सैफ कैपिटल टू समीर कैपिटल, कितने का प्रॉफिट है? 33,400। आइए बांटे पार्टनर्स के बीच, 33,400 डिवाइडेड बाय 3, 11,133 और एक पार्टनर को 11,134 दे देंगे, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। लिखिए पहले यहां तक, क्या सारा एंट्री खत्म हो गया? नहीं, अभी भी एक एंट्री बाकी है। कौन सा एंट्री बाकी है? जो पार्टनर डेथ कर गया है उसका सारा पैसा कहां ट्रांसफर करना होता है? एग्जीक्यूटर में। तो सर बैलेंस शीट में समीर का कैपिटल दिया हुआ था कितना? 40,000। उसके बाद देखिए समीर यहां पे क्रेडिट हुआ, उसके बाद फिर से क्रेडिट हुआ, तो जितना बार क्रेडिट होगा उतना बार ऐड करेंगे, डेबिट हुआ माइनस करेंगे, उसके बाद फिर से समीर क्रेडिट हुआ प्लस करेंगे, समीर क्रेडिट हुआ प्लस करेंगे, और समीर क्रेडिट हुआ प्लस करेंगे, समीर क्रेडिट हुआ प्लस करेंगे, जितना बार समीर क्रेडिट होगा उसके कैपिटल में ऐड कर लीजिए, और एक बार वो डेबिट हुआ है उसको माइनस कर दीजिए, तो समीर का पैसा मिल जाएगा। वो पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? सर वो पैसा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। पहले इस बात को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग स्क्रीन को सीधा करेंगे और कैलकुलेट करेंगे पैसा। चलिए ये दोनों एंट्री का काम नहीं पड़ेगा, हम उसको मिटा रहे हैं। समीर का कैपिटल बैलेंस शीट में कितना है? बोले सर कैपिटल समीर का, क्योंकि उसका पैसा ट्रांसफर होगा, वो डेथ कर गया तो उसका कैपिटल का पैसा देंगे उसके एग्जीक्यूटर को, उसके अलावा रिजर्व का पैसा 2,666, उसके बाद सर 600 फ्लैक्चुएशन रिजर्व का पैसा, उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट हुआ है तो सर ये माइनस होगा, इसके अलावा गुडविल का पैसा देंगे क्रेडिट हुआ है 7,000, फिर 1,500 क्रेडिट हुआ है, उसके बाद लाइफ पॉलिसी का 3,000 क्रेडिट हुआ है समीर, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट का 11,134। आइए प्लस माइनस करें, समीर का ड्यू निकल जाएगा, ये पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? एग्जीक्यूटर में। तो 40,000 प्लस 2,666 प्लस 600 माइनस 12,600 प्लस 7,000 प्लस 1,500 प्लस 3,000 प्लस 11,134 ये आएगा 53,300। ये क्या है? हम बोले सर ये है टोटल ड्यू ऑफ समीर, इतना पैसा बिजनेस में समीर का निकलता है, तो सर ये पैसा कहां ट्रांसफर कीजिएगा? बोले एग्जीक्यूटर में। क्या एंट्री करेंगे? समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर एग्जीक्यूटर 53,300, ये होगा आखिरी एंट्री, तो 11th नंबर एंट्री, इसको मिटा रहे, ये हो गया होगा अब तक। तो सर 11th नंबर एंट्री लिखिए, क्या एंट्री होगा? समीर कैपिटल डेबिट, समीर एग्जीक्यूटर अकाउंट,
कितने का? 53,300। बी बैलेंस ऑफ समीर कैपिटल ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जो आपसे बनना चाहिए था। इसमें बस ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन सर अलग था, वरना कुछ भी अलग नहीं था। इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाए और सारा बात आपको हम सिखा चुके हैं पहले ही। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 4 का बी पढ़े। लिखा है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर पूरब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दिया हुआ है। कैश इन हैंड, परचेज, सेल्स रिटर्न, सैलरी, टैक्स एंड इंश्योरेंस, बैड डेट, डेटर, इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, ड्रॉइंग, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, टोटल 3,50,000। क्रेडिट साइड में है कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स, परचेज रिटर्न, प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्रेडिटर, कमीशन और बिल्स पेबल, 3,50,000। तो सर ये ट्रायल बैलेंस है। अदर इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 45,000, सैलरी 1,000, टैक्स 2,000 और आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस 500 इज प्रीपेड। तो सर सैलरी में टिक कर लीजिए, टैक्स में टिक कर लीजिए, इंश्योरेंस में टिक कर लीजिए। फिर लिखा है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो सर इंटरेस्ट अक्रू हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो कोई इंटरेस्ट का इनकम होगा तो टिक कर लेंगे, नहीं है ऐसा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज अनपेड, इस नाम का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट है 15,000 रुपया का। और फिर लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, तो फर्नीचर पे टिक कर लेंगे। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, तो चलिए फाइनल अकाउंट बनाए। फॉर्मेट आपके सामने है, स्टार्ट करें। सबसे पहला नाम कैश इन हैंड, तो सर कैश इन हैंड को सबसे नीचे में लिख दीजिए बैलेंस शीट के। अमाउंट इज 15,000। उसके बाद है परचेज, पैसा को अंदर लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर अगर परचेज रिटर्न होगा तो माइनस करना होगा। कितने का परचेज है? 1,20,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, तो सेल्स से माइनस होगा, तो जब सेल्स लिख लेंगे तो उसमें से क्या माइनस कर देंगे? सेल रिटर्न। कितना अमाउंट है? 10,000। नेक्स्ट सैलरी कहां जाएगा? पीएल में। सैलरी को टिक किए थे, इनर कॉलम में पैसा लिखेंगे, अमाउंट 25,000। नेक्स्ट टैक्स एंड इंश्योरेंस, सर इसको भी टिक किए दो बार क्योंकि टैक्स और इंश्योरेंस दोनों साथ में है, तो सर पैसा है 5,000। दो लाइन छोड़ दीजिए। बैड डेट, ये भी टिक है, बैड डेट अमाउंट है 5,000। दो लाइन छोड़ दीजिए। डेटर, तो सर डेटर यहां आएगा, अमाउंट है 50,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, डेटर के जस्ट ऊपर, इन्वेस्टमेंट पे कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में, अमाउंट है 14,000। नेक्स्ट ड्रॉइंग, ये कैपिटल में माइनस होता है, तो सर माइनस कीजिए ड्रॉइंग, 20,000। नेक्स्ट फर्नीचर टिक किया हुआ है, एसेट्स में लिखेंगे, पैसा इनर कॉलम में, 16,000। बिल्स रिसीवेबल टिक नहीं है, सीधा बाहर, 30,000। कैपिटल 1,60,000 बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर, 20,000। नेक्स्ट सेल्स ट्रेडिंग में 90,000।
परचेज रिटर्न 20,000, तो परचेज से माइनस कर दीजिए। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट, सर वो डेटर से माइनस होगा, ये ओपनिंग प्रोविजन है, कितने का 10,000। उसके बाद क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर का अमाउंट है 20,000, कमीशन इनकम है, कुछ नहीं बोला है सीधा बाहर 5,000, बिल्स पेबल ये भी लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल 25,000। तो ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आता है, एक ही बार आया है। क्लोजिंग स्टॉक 45, दो बार आएगा, एक बार ट्रेडिंग में, दूसरा बार बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 45,000, क्लोजिंग स्टॉक। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी में जोड़ देंगे सर, कितना का आउटस्टैंडिंग 1,000। दूसरे बार लायबिलिटी बन जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, टैक्स भी आउटस्टैंडिंग है 2,000, सर जोड़ दीजिए आउटस्टैंडिंग टैक्स कितने का 2,000, तो सर आउटस्टैंडिंग टैक्स भी लायबिलिटी साइड। देयर आफ्टर इंश्योरेंस प्रीपेड 500 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, तो सर 6,500 इधर, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या बन जाएगा एसेट्स, फाइव हंड्रेड। नेक्स्ट थर्ड नंबर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,100, इंटरेस्ट अक्रू हुआ मतलब मिलेगा, इंटरेस्ट अक्रूड तो अक्रूड इंटरेस्ट, ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का 2,100, तो सर ये भी एसेट्स है अक्रूड इंटरेस्ट 2,100। नेक्स्ट अनपेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अनपेड 3,000, ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अनपेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितने का 3,000, तो सर ये लायबिलिटी बन जाएगा अनपेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 3,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट 15,000, सर जोड़ दीजिए बैड डेट में, ये है क्लोजिंग प्रोविजन 15,000। दूसरा बार डेटर में माइनस कर दीजिए प्रोविजन क्लोजिंग का, थर्टी फाइव थाउजेंड। नेक्स्ट डेप्रिशन लगेगा फर्नीचर पे, तो सर डेप्रिशन को यहां लिख दीजिए, बताइए कितना 10%, तो सर 16,000 का 10% 1,600। उसके बाद और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, तो चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी होगा, ये सर 1,25,000, प्रॉफिट 114 माइनस कर दीजिए 11,000 का प्रॉफिट,
चलिए हमको लगता है लॉस होगा इसमें क्योंकि डेबिट साइड का पैसा अधिक है, तो 1600 प्लस 26,000 प्लस 6500 प्लस 10,000 प्लस 3,000 ये आएगा 47,100। माइनस 11,000 माइनस 5,000 माइनस 2,100 29,000 का नेट लॉस। ये नेट लॉस कहां चला जाएगा? कैपिटल 29,000 1,11,000 तो 1,11,000 प्लस 20,20,40 प्लस 25,000 प्लस 6,000 1,82,000। चलिए 14,400 40,000 35,000 30,000 45,000 2,600 15,000 1,82,000। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का भी, जो काफी सिंपल क्वेश्चन था। लिखिए थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको सारा बात दिख जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के एक ए में चले। लिखा है अंकित स्पोर्ट्स क्लब गिव्स द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ये कहां जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन इनकम है, डोनेशन इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, सन्ड्री रिसिप्ट इनकम है, सैलरी पेमेंट साइड में सर एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स गुड्स सर ये एसेट्स की तरह है, लाइब्रेरी का बुक 1,00,000 ये भी एसेट्स है, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एक्सपेंस है, उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंस एक्सपेंस है, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस सर ये कहां जाएगा? ये हम लोगों का क्या बन जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स। उसके बाद नीचे में लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग क्लोजिंग, उसमें दिया हुआ है सैलरी, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, रेंट एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। एसेट्स में लाइब्रेरी का बुक का ओपनिंग बैलेंस, स्पोर्ट्स गुड्स का ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर एंड फिक्स्चर का ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अक्रूड इंटरेस्ट। हम बोले ओके। फिर उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्स्चर एट द रेट 10%, तो बोल रहा है फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन है, स्पोर्ट्स गुड्स पे 20% का, लाइब्रेरी बुक के ऊपर 10% का। प्रोवाइड फुल डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, बोल रहा है जो नया नया एडिशन हुआ होगा उसके ऊपर पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन दे देना। डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज, तो सर डोनेशन इनकम नहीं है फिर लाइबिलिटी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्लब ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2021, तो सर डेट बदल लीजिए 1 अप्रैल 2021। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट 31 मार्च 2022, तो सर सब कुछ बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट। शुरू किया जाए, क्या क्या टिक हुआ? हम बोले सर टिक होगा अगर कोई एक्सपेंस होगा उसको टिक की, सैलरी टिक होगा, न्यूज़पेपर टिक होगा, रेंट टिक होगा, इलेक्ट्रिसिटी टिक होगा, लाइब्रेरी बुक टिक होगा, स्पोर्ट्स गुड टिक होगा, फर्नीचर सब्सक्रिप्शन और अक्रूड इंटरेस्ट ये सारा चीज टिक होगा। बोले चलिए ठीक है, शुरू किया जाए। पहला आइटम कैश एंड बैंक, तो सर वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कितने का? 52,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन टिक किया हुआ, इनकम है तो सर नीचे में दो लाइन छोड़ दीजिए। $3,48,000 दो लाइन छोड़ दिए। डोनेशन क्वेश्चन बोला है कैपिटलाइज करने, तो ये लाइबिलिटी है
एक लाख का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000, तो सर इसमें भी टिक है। सन्ड्री रिसिप्ट इनकम है, अमाउंट है 3,000, सैलरी एक्सपेंडिचर टिक किया हुआ है, पैसा को इनर कॉलम में लिखेंगे और दो लाइन छोड़ देंगे 1,50,000, रेंट 54,000, दो लाइन इसमें भी छोड़ देंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी दो लाइन छूटेगा 6,000, स्पोर्ट्स गुड्स, तो सर ये तो एसेट्स है, कितने का स्पोर्ट्स गुड्स है 20,000, दो लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद लाइब्रेरी बुक, लाइब्रेरी बुक 1,00,000, न्यूज पेपर 10,800, मिसलिनियस एक्सपेंस 54,000, क्लोजिंग का कैश एंड बैंक, तो सर यहां लिखिए कैश एंड बैंक 120,200, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट का आइटम एक बार लिखते हैं, एक ही बार लिखे हैं। अब पहला सैलरी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, तो सर क्लोजिंग को जोड़ देंगे, ओपनिंग को माइनस कर देंगे, क्लोजिंग है 20, ओपनिंग है 10। दूसरा इफेक्ट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। अगला नाम न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स का आउटस्टैंडिंग, तो सर ओपनिंग माइनस करेंगे, क्लोजिंग को प्लस करेंगे, फाइव थाउजेंड कहां जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग है 5,000, ओपनिंग है 4,000। नेक्स्ट रेंट प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो रेंट है सर क्लोजिंग में 6, ओपनिंग में भी 6, 54, आउटस्टैंडिंग रेंट 6, आउटस्टैंडिंग रेंट 6। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग 10,000, ओपनिंग 8,000, तो सर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्लोजिंग 10,000, ओपनिंग 8,000। आइए दिख रहा है कि नहीं पूरा, थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर लिया, उसके बाद अगला आइटम एसेट्स का लाइब्रेरी बुक ओपनिंग, तो सर ओपनिंग में लिखिए
कितने का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्या यही ओपनिंग क्लोजिंग में चला जाएगा? हाँ, प्लस ओपनिंग बैलेंस कितने का 1 लाख का, तो लाइब्रेरी बुक हो गया 2 लाख। उसके बाद स्पोर्ट्स गुड्स ओपनिंग में कितने का 80, तो सर फिर ये ओपनिंग से क्लोजिंग में चला जाएगा प्लस ओपनिंग बैलेंस 80, कितना बन गया 1 लाख। नेक्स्ट फर्नीचर ओपनिंग में 1 लाख, तो सर फिर ये चला जाएगा क्लोजिंग में 1 लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग, तो सर प्लस कीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस कीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 1,20,000 और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 50, फोर लैख 18,000 बाहर। दूसरा बार कहा जाएगा एसेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का 50,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का 1,20,000। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5 लाख, तो सर इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में है सर, तो क्लोजिंग में भी जाएगा कितने का 5 लाख। हालांकि इन्वेस्टमेंट हमको यहां पे लिखना चाहिए, यहीं पे लिखेंगे, जगह नहीं है तो उससे क्या मतलब, लिखेंगे तो यहीं 5 लाख। अक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग 6 क्लोजिंग 6, तो सर इंटरेस्ट में जोड़ दीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब ये कहा जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट एसेट्स बन जाएगा ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का भी। आइए स्क्रीन को थोड़ा और नीचे करें। अक्रूड इंटरेस्ट 6,000, फिर लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, तो सर डेप्रिसिएशन खर्चा है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगेगा 10%, तो सर फर्नीचर है 1 लाख का, बाहर आएगा 90, फर्नीचर के ऊपर 10,000। फिर बोला है स्पोर्ट्स गुड्स पे 20%, तो सर स्पोर्ट्स गुड्स पे 20%, तो 20,000, 80,000। देयर आफ्टर उसके बाद फिर लिखा है लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर 10%, तो 2 लाख का 10%, 20,000, 1,80,000। डोनेशन को कैपिटलाइज करना है वो हम लोग लिख चुके, और कुछ नहीं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले सर आपको निकाल लेना चाहिए कैपिटल फंड, आइए प्लस माइनस करें और कैपिटल फंड निकालें। ₹52,000 + ₹1,80,000 + ₹1,50,000 + ₹5,00,000 + ₹6,000
8,88,000 माइनस 10 और 4, 14,000 6,000 8,000 8,60,000 कैपिटल फंड चलिए जोड़े 4,18,000 + 12 + 3 4,33,000 माइनस 160 - 54 माइनस 8,000 माइनस 11,800 माइनस 54,000 माइनस 50,000 टू सरप्लस 95,200 प्लस 1,55,200 + 8,60 9,55,200 1,20,000 5,000 16,000 10,96,200 आइए एसेट्स देखें 80,000 1,80,000 90,000 5,00,000 1,20,000 1,20,200 और 6,000 10,96,200 ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो हम लोग का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से था लिखिए आइए क्वेश्चन का नंबर है 5 का बी लिखा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर मिसेस डायना फाइवर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ओपनिंग इन्वेंट्री 1,00,000 परचेजेस 6,72,000 कैरेज इनवर्ड 30 वेजेस 50 सेल्स 11,00,000 रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न 1,00,000 रिटर्न आउटवर्ड 72,000 मतलब परचेज रिटर्न क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,00,000 और फैक्ट्री रेंट 70,000 यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री इन दी बुक्स ऑफ डायना फाइवर तो सर आपको क्या करना है क्लोजिंग एंट्री आइए एंट्री करें डेट क्या लिखेंगे 31 मार्च 2022 आइए एंट्री करें सबसे पहले सर जो रिटर्न है उसको एडजस्ट कर लीजिए तो रिटर्न है एक है रिटर्न आउटवर्ड जिसको हम लोग परचेज रिटर्न भी बोलते हैं वो कहां से एडजस्ट हो जाएगा परचेज के साथ 72,000 तो सर परचेज जो 6,72,000 का था उसमें 72 का परचेज रिटर्न एडजस्ट हो गया बी परचेज रिटर्न एडजस्टेड या परचेज एडजस्टेड विथ परचेज रिटर्न उसी तरह सर सेल्स रिटर्न है उसको भी एडजस्ट करा दीजिए कितने का है 1,00,000 टू रिटर्न इनवर्ड बी सेल्स रिटर्न एडजस्टेड विथ सेल्स अब परचेज सेल ट्रांसफर कर दीजिए तो सर सेल को ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में तो एंट्री क्या होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना बचा सेल्स में 11,00,000 में 1,00,000 का सेल्स एडजस्ट हो चुका है सर तो 10,00,000 का सेल्स अभी भी है जो ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दीजिए
बी सेल्स ट्रांसफर, टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? सर जितना भी परचेज है या डायरेक्ट एक्सपेंस है सबको ट्रांसफर कर दीजिए ट्रेडिंग में, तो एंट्री क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। और क्या क्या है? सर परचेजेज में आएगा 6 लाख, कैरेज इनवॉर्ड, कैरेज इनवॉर्ड है 30,000। और क्या है? वेजेज कितने का? 50,000। उसके बाद है ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, फिर है क्लोजिंग, वो तो सर अलग होगा, फैक्ट्री रेंट। सर ये तो पीएल में जाएगा? नहीं, फैक्ट्री का है, ट्रेडिंग में जाएगा 70,000। आइए जोड़े, 5, 6 लाख प्लस 1, 7 लाख प्लस 1, 8 लाख 50,000। बी सन्ड्री आइटम्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद अगला, ये सर पहला था, ये दूसरा एंट्री था, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा एंट्री क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर कीजिए, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट है 2 लाख, बी क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा इन्वेंटरी वर्ड लिख रहा है तो इन्वेंटरी वर्ड लिख लीजिए, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। आइए प्रॉफिट लॉस निकालें, 10 लाख रुपया ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ है और 2 लाख यहां, तो 12 लाख रुपया क्रेडिट है और 8,50,000 का डेबिट है। तो सर क्रेडिट है 12 लाख से, डेबिट है 8,50,000। ट्रेडिंग अकाउंट जो है क्रेडिट कितने से है? बोले सर एक बार सेल्स का 10 लाख, क्लोजिंग का 2 लाख, तो 12 लाख रुपया क्या है क्रेडिट में। डेबिट कितने से हुआ है? बोले सर 6 लाख, 1 7 लाख और 1 8,50,000। तो प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट 3,50,000 का। एंट्री, एंट्री होगा सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना हो जाएगा? 3,50,000। बी ग्रॉस प्रॉफिट, बी अमाउंट ट्रांसफर टू ग्रॉस प्रॉफिट, और सातवां नंबर एंट्री क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे पीएल में।
बी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एल। लिखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का बी का सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का ए, उसका 1 नंबर, गिव जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड री इश्यू। अजहर लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय अली फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज पर शेयर। ही पेड द एप्लीकेशन मनी 3। दीज शेयर वे री इश्यूड टू कैश फॉर रुपीज 8 पर शेयर। बहुत सिंपल है सर ये। तो पहला एंट्री क्या करेंगे हमने सर? पहला एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कितना सारा शेयर्स है सर? 600 इंटू 10 कितना आएगा? 6000। टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन एरिया, तो सर कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा? 600 इंटू 7, 3 रुपया का अलॉटमेंट, 4 रुपया का फाइनल कॉल, 1800 रुपीज कहां आएगा? फॉर फीचर में। बी 600 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। दूसरा एंट्री क्वेश्चन बोला है इसमें से सारा का सारा शेयर 8 रुपया में री इश्यू कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिट 600 शेयर 8 रुपया में री इश्यू कर दिए, तो सर 2 रुपया का लॉस होगा, तो शेयर फॉर फ्यूचर भी डेबिट। कितना? 1200, 600 इंटू 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6000। बी फॉरफिटेड शेयर री इश्यू। अब क्या करेंगे? तीसरा एंट्री। तो सर ये आपका पहला एंट्री था, ये दूसरा एंट्री था, ये तीसरा एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर को ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व, बी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते थे सर? शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड माइनस शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट अमाउंट, तो सर 600 रुपया। तो शेयर में सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, पहला हो गया। लिखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ए में एक और क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स हु वाज द होल्डर ऑफ 2500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच ऑन विच रुपीज 70 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप कुड नॉट पे हिज ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच एट रुपीज 20 पर शेयर। द डायरेक्टर फॉरफिटेड द अबव शेयर एंड री इश्यू 2000 ऑफ सच शेयर टू मिस्टर वाई एट रुपीज 60 पर शेयर पेड अप एज रुपीज 70 पर शेयर। तो ये है क्वेश्चन, यही 3 सेम एंट्री होगा। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन करना। पहले लिखिए, तो चलिए पहला एंट्री क्या होगा सर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, कितना सारा शेयर्स है? 2500। बोला है उसमें 70 रुपीज ही कॉल हुआ है, 70 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2500 इंटू 70 1,75,000।
कितना पैसा नहीं मिला, बोल रहा है 20-40 रुपया नहीं मिला, तो वो हो गया एरियर। तो कितना पैसा फॉर फीचर में गया बैलेंसिंग फिगर से 75, तो सर 2500 प्रेफरेंस शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट फॉर। आगे लिखा है डायरेक्टर्स ने उनका फॉरफिट में से 2000 शेयर री इशू कर दिया 60 रुपया में, 70 रुपया दाम रखा, तो सर 2000 शेयर इशू कर दिया 60 रुपया में, 70 रुपया दाम रखा है, तो सर 10 रुपया डिस्काउंट दिया है। अब शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व, तो सर 75,000 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू री इशू कितना किए हैं 2000 पीस माइनस 20,000, तो सर ये तो कट जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20 कितना आएगा 40,000। तो हम लोग जो फॉर्मूला सिखाए थे वो हमेशा बैठ जाता है, वो हमेशा सही आंसर लाता है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी, आइए पढ़े क्या लिखा है। लिखा है सिंपनी लिमिटेड इश्यूड 300 लाख 8% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर, पेएबल एज 500 ऑन एप्लीकेशन 440 ऑन अलॉटमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर का एंट्री करना है। आइए सबसे पहला एंट्री क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का बी, पहला एंट्री सर एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर में कितना परसेंट है 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना सारा डिबेंचर है सर 300 लाख और हरेक पे मिलेगा ₹500 एप्लीकेशन का, तो सर 300 लाख इंटू 500, तो रुपीज जो है वो किसमें है, हम बोले सर रुपीज जो है वो इन लैक्स, तो 300 × 500 ₹1,50,000, याद रखिएगा रुपीज लैक्स में चल रहा है। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव, दूसरा एंट्री एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कीजिए, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मांगेंगे, तो सर अलॉटमेंट है 440 का, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये भी डेबिट टू 8% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो सर अलॉटमेंट है 440 रुपीज का, तो 300 लाख डिबेंचर है, 300 लाख डिबेंचर है 440 करके, लॉस में कितना लिखिएगा, बोले सर इश्यू करने के समय 300 लाख पे 60 रुपीज का प्लस रिडम्पशन करने के समय सर 5% का प्रीमियम, तो 300 लाख इंटू 50 रुपया, 5% कितना आएगा 1000 रुपया का, 50 रुपया, तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो आ जाएगा सर 6 × 3 = 18 और ये आ जाएगा 15,000, तो ये आ जाएगा 18 × 15 = 33,000, 300 × 440
इंटू 300 1,32,000 रुपीज लैक्स में है। ये तो सर फेस वैल्यू, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू भी 500 1,50,000 इंटू प्रीमियम कितना है भविष्य का 50 रुपया 15,000 कितना आ जाएगा डेबिटेड बराबर 1,65,000 बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ नंबर पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2.8% डिबेंचर अलॉटमेंट 1,32,000 डी अलॉटमेंट मनी रिसीव। क्वेश्चन में बोला था पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, तो इशू का बस यही एंट्री है। हो सकता है आप में से कोई इंसान ऐसा भी हो जो इस लॉस को राइट ऑफ कर दे, तो वो आपको ये नहीं बोला है कि एक साल का एंट्री पास करो क्योंकि ये ईयर के एंड में होगा। तो अगर इशू का बात करें तो सर यही 4 एंट्री होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा इसको राइट ऑफ कर दिया है पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो डरने का बात नहीं है, वो भी सही है, आप एक एंट्री ज्यादा कर दिए, वरना इशू का बस यही 4 एंट्री होगा। लिखिए